फाइनेंसेस हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, कुछ भी खरीदने की क्षमता हमको पैसे से मिलती है। हम अपने लाइफ में फ्री और लिबरेटेड महसूस करते हैं अगर हमारे हाथ में पैसा होता है। अगर फाइनेंशियल क्रंच हमारे लाइफ में आ जाता है तो हमारी खुशियों में हर तरह की कमी आने लगती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास पैसा जो है वो अबंडेंस में हो, वेल्थ हमारे पास हो। और वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमको बताता है कि कैसे हम अपने धन में वृद्धि ला सकते हैं, कैसे हम अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर वैशाली गुप्ता और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप वास्तु के कुछ अचूक उपाय करके अपने लाइफ में पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में पैसे को डिनोट करने वाले, वेल्थ को डिनोट करने वाले मेनली थ्री जोन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ जोन, यानी कि कुबेर स्थान। जैसा कि नाम बताता है, ये कुबेर का स्थान होता है, ये धन की वृद्धि का स्थान होता है, ये पैसे के इकट्ठे होने का स्थान होता है और इसलिए फाइनेंसेस के लिए नॉर्थ जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अग्नि कोण, क्योंकि ये आपके कैश की लिक्विडिटी को गवर्न करता है। कैश लिक्विडिटी माने आपके हाथ में कितना पैसा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स्ड एसेट्स बहुत होते हैं लेकिन उनके हाथ में रनिंग कैश कम होता है। उनको हमेशा लगता है कि हमारे हाथ में खुला पैसा नहीं रहता। इस पैसे को, ये जो आप खुले पैसे की बात करते हैं, इसको गवर्न करता है साउथ ईस्ट जोन, यानी कि अग्नि कोण। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो हमारी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, पैसे, धन, हर एक चीज को डिनोट करता है, वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण, जो कि ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का जोन है। तो ये तो हुए वास्तु के तीन जोन जो कि आपके घर में आते हुए पैसे को डिनोट करते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा रुका हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आते हुए पैसे में बढ़ोतरी हो, तो वास्तु के कौन से उपाय आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नॉर्थ जोन से। नॉर्थ जोन, जैसे कि मैंने बताया, कुबेर स्थान, ये मरकरी से रूल्ड होता है, यानी कि बुध से रूल्ड होता है। अगर आप बुध का कलर देखें तो बुध का कलर ग्रीन होता है और इसीलिए वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आप नॉर्थ जोन में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके आते हुए पैसे में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहली वास्तु टिप, अपने नॉर्थ जोन में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। बीट अ पेंटिंग, बीट अ वॉल कलर, बीट अ वॉल पेपर, ट्राई एंड इंक्रीज ग्रीन कलर इन द नॉर्थ जोन। सेकेंडली, नॉर्थ जोन में आप मनी प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। मनी प्लांट का कलर भी ग्रीन होता है और ये वेल्थ को डिनोट करता है। तो उपाय नंबर टू, अपने नॉर्थ के जोन में मनी प्लांट ऐड करें। थर्डली, आप अपने नॉर्थ जोन में एक वाटर फाउंटेन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा रुका हुआ है और आप कहीं से अपने पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, कोई स्रोत खोलना चाह रहे हैं, तो तुरंत अपने नॉर्थ जोन में एक रनिंग वाटर फाउंटेन लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, द वाटर फाउंटेन शुड नॉट बी वेरी बिग। एक छोटा सा, हो सके तो व्हाइट कलर का, आप नॉर्थ में एक रनिंग वाटर का फाउंटेन लगाएं। एक और चीज जो हम नॉर्थ जोन में कर सकते हैं वो है यूज ऑफ मिरर। मिरर एनर्जी को ड्यूप्लीकेट करता है और नॉर्थ जोन की एनर्जी को ड्यूप्लीकेट करता है। नॉर्थ जोन आता हुआ पैसा है और जैसे ही आप यहाँ पे मिरर लगाते हैं, आपका आता हुआ पैसा डबल होने लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पे मरकरी यंत्र भी लगा सकते हैं या फिर नॉर्थ जोन की वास्तु पेंटिंग भी लगा सकते हैं। ये जो नॉर्थ जोन की पेंटिंग्स हैं, इनको आप हमारे वेबसाइट पे vastupainting.com पर भी देख सकते हैं। और नॉर्थ जोन में एक वाटर की पेंटिंग ऐड करने से भी आपके घर में आता हुआ पैसा बढ़ता है। और नॉर्थ जोन के लिए एक आखिरी अचूक उपाय जो कि आपको करना चाहिए, वो है कलश थेरेपी। अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, जल्दी से आपको अपने पैसे रिलीज करने हैं या फिर कहीं से आप चाह रहे हैं कि आपके पैसे आ जाएं, तो अपने किचन के नॉर्थ जोन में आप एक कलश रखिए। कलश के अंदर 3 सिक्के डालिए और उसको ढक दीजिए। इस कलश का पानी आप हर 2-3 दिन में चेंज करते रहिए। ये एक ऐसा यंत्र है जो कि आपके रुके हुए पैसे को तुरंत खोल देगा। दूसरा, मैंने बात करी थी साउथ ईस्ट जोन की। साउथ ईस्ट जोन यानी कि अग्नि कोण, जो कि आपकी कैश लिक्विडिटी का जोन होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने साउथ ईस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि हमारे हाथ में पैसा रहे। सबसे पहले, साउथ ईस्ट का जो प्लैनेट होता है वो होता है वीनस। और अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में शुक्र यंत्र लगाते हैं तो आपके घर में पैसा, लग्जरीज, हर तरह के धन धान्य में वृद्धि आती है। सेकेंडली, साउथ ईस्ट में अगर आप रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑप्टिमम अमाउंट में अगर आप लाल रंग यूज करते हैं, तो भी आपके घर में जो है वो कैश लिक्विडिटी बढ़ने लगती है।
नंबर थ्री, अगर आप रेड कलर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का लैंप चला के रखें। ऐसा करने से भी आपका साउथ ईस्ट यानी कि कैश लिक्विडिटी का जोन एक्टिवेटेड रहेगा और आपके पास कैश लिक्विडिटी बढ़ने लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम साउथ ईस्ट जोन में एक अग्निकोण की एनर्जाइज वास्तु पेंटिंग तो लगा ही सकते हैं। ऐसा करने से भी हमारा साउथ ईस्ट जोन एक्टिवेट होगा और हमारे घर में कैश लिक्विडिटी बढ़ने लगेगी। नाउ थर्ड एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जोन वंस अगेन फॉर इम्प्रूविंग आवर फाइनेंसेस इज द नॉर्थ ईस्ट जोन, यानी कि उत्तरी पूर्व ईशान कोण का जो जोन होता है वो भी हमारी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, धन धान्य मनी सबको डिनोट करता है। सबसे पहला गोल्डन रूल नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करने का ये है कि अपने नॉर्थ ईस्ट को साफ रखें, लाइट रखें, लोड फ्री रखें। अभी जाके देखें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। एक मैग्नेटिक कंपास अपने हाथ में लें और देखें कि कंपास में नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे शो कर रहा है और वहां पे जाके देखें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में देखें, अपने हर कमरे के नॉर्थ ईस्ट में देखें कि वहां पे कहीं कोई क्लटर तो नहीं है, कोई भारी सामान तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे तुरंत क्लियर कर दीजिए। आपका जो भी ब्लॉक्ड मनी है वो एकदम से खुल जाएगा और आपके हाथ में कैश लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ हम नॉर्थ ईस्ट जोन में भी मिरर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मिरर एनर्जी को ड्यूप्लीकेट करता है और जैसे ही ईशान कोण की एनर्जी ड्यूप्लीकेट होगी आपके घर में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है वो जुपिटर का जोन होता है, यानी कि गुरु प्लैनेट का जोन होता है एंड गुरु का कलर होता है येलो। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट जोन में येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, वॉल कलर कराते हैं या पेंटिंग लगाते हैं या फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके नॉर्थ ईस्ट जोन की एक्टिवेशन होती है और डेफिनेटली आपका जो पैसे का स्रोत है वो खुलने लगता है। एंड वंस अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हम एक जुपिटर यंत्र यानी कि एनर्जाइज्ड गुरु यंत्र भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हम नॉर्थ ईस्ट जोन में एक ओवरऑल प्रोस्पेरिटी की वास्तु पेंटिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारे उपाय अपने नॉर्थ जोन में, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में और नॉर्थ ईस्ट जोन में करते हैं तो हमारा आता हुआ पैसा खुल जाता है, हमारी कैश लिक्विडिटी भी बढ़ने लगती है और हम अपनी फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूले और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक या सब्सक्राइब करें। आई कम वंस अगेन विद सम मोर इंटरेस्टिंग वास्तु वीडियोस। टिल देन हैव अ नाइस डे।